सृष्टि की उत्पत्ति के साथ ही अस्तित्व में आई भारतीय सनातन सभ्यता में शुचिता, शुद्धता और स्वच्छता के महत्व से भला कौन अनभिज्ञ होगा। हमारा संपूर्ण आध्यात्म हमारे पर्यावरण और भूमंडल की शुद्धता एवं पवित्रता को समर्पित रहा है। इसीलिए हमारे वेद, पुराण और सभी धर्मशास्त्र पेड़ पौधों, नदियों, पर्वतों और समुद्रों के साथ ही प्रकृति के सभी अंगों को पूजनीय मानते हैं। कितने आश्चर्य की बात है कि धरा को मां का सम्मान देने वाले इस देश में खुले में शौच की एक अवांछित परंपरा ने न चाहते हुए भी जन्म ले लिया। जब यह प्रचलन आरंभ हुआ तब शायद सुविधाओं का अभाव था, किंतु वर्षों की आजादी के बाद भी जब यह पावन धरती खुले में शौच की वेदना को सहन करती रही तो सबसे पहले वर्ष 2013 के तीसरे महीने में मरुनगरी बीकानेर को खुले में शौच मुक्त जिला बनाने की असंभव सी लगने वाली कल्पना की गई और 15 अगस्त 2015 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से भारतवर्ष को खुले में शौच मुक्त बनाने का जो संकल्प लिया वो मुश्किल जरूर था लेकिन असंभव नहीं था। ये संकल्प जरूरी था, समय की मांग था। प्रतिवर्ष हजारों निर्दोष और अबोध जीवन बचाने के लिए, जी हां, डायरिया जैसा जानलेवा रोग सुरसा के मुख की तरह दिन प्रतिदिन विकराल होता जा रहा था। आप हैं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बीकानेर डॉक्टर देवेंद्र चौधरी। देखिए, खुले में शौच के कारण में सैकड़ों तरह की बीमारियां हैं जो बहुत ज़्यादा मात्रा में बच्चों को अफेक्ट करती है, स्पेशली बड़ों को भी अफेक्ट करती है, जिसमें विशेष रूप से डायरिया है, टाइफाइड है, उल्टी दस्त है, हैजा है, पेचिस है, ये सारी की सारी बीमारियां जो है वो खुले में शौच के कारण भी होती है। और खुले में शौच के कारण जो कीटाणु होते हैं वो उड़ करके कहीं ना कहीं मनुष्य के भोजन में आ जाते हैं और मनुष्य के भोजन में आएंगे तो निश्चित रूप से जो है सभी प्रकार की बीमारियाँ फैलाएंगे। विशेष रूप से जो कृमि हैं वो कृमि रोग जो है वो उसका कारण खुले में शौच एक बड़ा कारण रहता है। अगर खुले में शौच से मुक्ति पा ली जाए तो निश्चित रूप से इन बीमारियों से बचा जा सकता है। रोटा वायरस से फैलते हुए डायरिया रोग से हमारे ग्रामीण परिवारों की चराग बुझने लगी। लगने लगा कि हमारी माताएं मृत्यु को भेंट चढ़ाने के लिए ही बच्चे पैदा कर रही हैं। मातम का ये अंधेरा अब छंटने वाला था, जागृति का सूरज बस उदित होने को था। प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छ और खुले में शौच मुक्त भारत का स्वप्न देखा, प्रदेश में उस स्वप्न को साकार करने का जिम्मा लिया। राजस्थान की यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय वसुंधरा राजे ने दिल्ली में लिया गया वो संकल्प और मजबूत होकर अब बीकानेर पहुंच चुका था। जी हां, खुले में शौच मुक्त बीकानेर की इस परिकल्पना और प्रयासों को ही नाम दिया गया बंको बीकानो। ये सच है कि बंको बीकानो अभियान को साकार करना
आसान काम नहीं था, लेकिन जज्बा, जोश और जुनून हो तो क्या नहीं किया जा सकता। जिले के स्वच्छता अभियान ने कुछ ऐसे लोगों को तलाशा जिनमें मानवता के लिए जुनून के साथ काम करने का जज्बा हो। विश्व बैंक के वाटर एंड सैनिटेशन प्रोग्राम की मदद से संपूर्ण स्वच्छता विषयक प्रशिक्षण से इस अभियान का आगाज हुआ। फिर धीरे धीरे किस तरह स्वच्छ और खुले में शौच मुक्त बीकानेर की परिकल्पना आकार लेने लगी, ये बताया जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री बीएल मेहरडा ने। तत्कालीन जिला कलेक्टर महोदय आरती डोगरा जी थी, उन्होंने हिमाचल प्रदेश में वो जो विजिट पे गई थी वहाँ से प्रेरणा लेकर के और इस तरह से विषम जलवायु और विषम क्षेत्रफल वाले इस जिले को खुले में शौच से मुक्ति करने के लिए इसमें इसको चुना। सबसे पहले यहाँ के अभियान को एक बंको बीकाणु का नाम दे करके और यहाँ के जो लोग हैं उनको प्राइड ऑफ द वुमेन एज वेल एज प्राइड ऑफ द मैन दोनों को इस अभियान से जोड़ा कि भाई हमारे घर के अंदर शौचालय है जहाँ पर नारी की गरिमा का भी ध्यान रखा जाता है और हम जो पुरुष हैं वो इन महिलाओं का कितना हम सम्मान करते हैं कि उनके लिए हम इस तरह से ये शौचालय भी बनवा रहे हैं और इसका हम प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो इन भावनाओं के साथ में इस अभियान का श्री गणेश हुआ। उसके पश्चात में हमारी वर्तमान जिला कलेक्टर महोदया है श्रीमती पूनम जी, इन्होंने इसमें हमारा काफ़ी कुशल मार्गदर्शन और नेतृत्व किया और पूरे जिले के हमारे अधिकारीगण और जनप्रतिनिधिगण और हमारे ग्रास रूट के जितने भी फंक्शनरीज है उन्होंने मिलकर के और उस गैप को पूरा करने का पूरा प्रयास किया और इसी का परिणाम रहा कि हमारे जितने शौचालय विहीन परिवार थे उनको हमने इसके अंदर कवर किया इस अभियान के दौर और उसको हमने ऑनलाइन भी किया जो भारत सरकार की वेबसाइट के ऊपर है और ये वास्तव में एक बड़ी प्रसन्नता का विषय है हमारे ज़िले के लिए कि इस तरह का अभियान इस ज़िले के अंदर जो है वो अपने अंजाम तक सभी के सहयोग से पहुँचा। हमारे यहाँ WSP के सहयोग से और विशेष रूप से वर्ल्ड बैंक जो है उनके जो भी यहाँ प्रतिनिधि आए वो उन ट्रेंड जो व्यक्ति है उनके प्रयासों से उनके माइंडसेट को बदलने के अंदर उनका जो महत्वपूर्ण योगदान रहा उसके कारण से ये संभव हुआ। प्रशिक्षण के उपरांत गांवों में ट्रिगरिंग का महत्वपूर्ण कार्य आरंभ हुआ। प्रशिक्षित लोगों के दल हर वर्ग के ग्रामीणों के बीच जाकर उन्हें व्यावहारिक तरीकों से समझाने लगे। ग्रामीण जनता में जागृति के लिए हर माध्यम हर तरीके का उपयोग किया जाने लगा और सभी वर्गों के ग्रामीण खुले में शौच की हानियों को समझने लगे, प्रयास रंग लाने लगे, सभी एकजुट हो गए। ऐसा वातावरण तैयार हो गया इस विकृति के खिलाफ। अभियान की कामयाबी बिल्कुल सामने खड़ी नजर आने लगी। कहीं मानव श्रृंखला बनाकर खुले में शौच जाने वालों को रोका गया तो कहीं बच्चों ने रैलियां निकालकर जन जन में जागरण की अलग जगाई तो युवाओं ने भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। गांव की महिलाओं ने डिग्गियां खोदकर शौचालय का निर्माण किया। खुले में शौच मुक्त अभियान में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए जनप्रतिनिधि बीकानेर सांसद एवं मुख्य सचेतक लोकसभा श्री अर्जुन राम मेघवाल अपनी बात कुछ यूं कहते हैं। लगातार ये 3-4 सालों से प्रयास चल रहा है कि बीकानेर जिले को ODF घोषित किया जाए। इस सिलसिले में समय समय पर वर्कशॉप हुई, जिला प्रशासन ने अपना एक एक्शन प्लान बनाया, भारत सरकार को भेजा, राज्य सरकार को भेजा, जो पहले के कलेक्टर थे वर्तमान जिला कलेक्टर हैं इनके वहाँ प्रेजेंटेशन हुए और मेरे भी संबंधित मंत्रियों से बीच बीच में वार्ता होती रही, जो जनप्रतिनिधि हैं उनको भी इसमें इन्वॉल्व किया गया।
जब भी हम किसी विषय पे भाषण देने जाते हैं या किसी समाज के प्रोग्राम में सम्मिलित होते हैं तो हम ODF की बात करते हैं, भी खुले में शौच जाने की जो परंपरा है इसको बंद करें। फिर कुछ लोगों में थोड़ा हेजिटेशन था इसके प्रति, उनको प्रेरित किया गया और कुछ जगह जब शौचालय बन गए थे उपयोग में नहीं आ रहे थे, उनको उपयोग में लेने के लिए प्रेरित किया गया और राजस्थान के लिए खुले में शौच जाने की परंपरा समाप्त हो इसकी शुरुआत बीकानेर करे, ये भी बीकानेर के लिए बहुत बड़ी बात है और बीकानेर की जनता जागरूक है। मुझे लगता है कि एक बार जब मंजिल मिलेगी और बीकानेर का नाम जब मीडिया में और देश और दुनिया में होगा तो नेचुरली बीकानेर के लोग इसको लगातार इस मंजिल पे बने रहने के लिए प्रयास करेंगे और एक आदर्श ही बना लेंगे। उसके बाद ज्यादा फिर कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो हैबिचुअल हो जाएंगे तो फिर दिक्कत नहीं आएगी। यही काम नरेंद्र मोदी जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी है वो करना चाहते हैं कि एक बार इसकी हैबिट में आ जाए नागरिकों की। जनप्रतिनिधि, सामाजिक कार्यकर्ता, शिक्षक, स्वास्थ्य कार्यकर्ता, अधिकारी और विद्यार्थी आदि सभी वर्गों के लोग कड़ी से कड़ी की तरह जुड़कर अपना अपना समर्पित योगदान देकर खुले में शौच की इस अज्ञानजन्य बुराई को मिटाने के लिए कमर कसकर तैयार हो गए थे। बंको बीकानो अभियान के बारे में जानकारी देते हुए जिला प्रमुख श्रीमती सुशीला सिंवर। राजस्थान में पहला नंबर जिला है जो बीकानेर ODF जिला हुआ है और हमारे जिले में सबसे ज़्यादा महिलाओं ने और जनप्रतिनिधियों ने बहुत सहयोग किया है और इसके पीछे हमारी महिलाओं की और बहन बेटियों की आज बहुत अच्छी इज्जत हो रही है कि हमारे हर घर में शौचालय बने हुए हैं और हम सब जाके ग्राम पंचायतों में जा जा के चेक करके आए हैं। घरों में शौचालय बहुत अच्छे बने हुए हैं और लोग अपने शौचालय को यूज में ले रहे हैं, बाहर कोई नहीं जा रहे हैं। ये परंपरा आने वाले समय में ये परंपरा हम आगे बढ़ाएंगे और आपके सहयोग से हम इसे आगे बढ़ाते रहेंगे। इस अभियान की सफलता की भाव भूमिका तैयार करने में बीकानेर की ऊर्जावान पूर्व जिला कलेक्टर सुश्री आरती डोगरा के योगदान को भूला नहीं जा सकता, तो वर्तमान जिला कलेक्टर पूनम जी के कुशल प्रभावी नेतृत्व में सफलता की नूतन आयाम स्पर्श किए गए। सबके समन्वय और सामंजस्य के बगैर यह अभियान सिर्फ कागजी कार्यवाही बनकर रह सकता था। इस संबंध में बंको बीकानो अभियान के समन्वयक श्री महेंद्र सिंह शेखावत अपनी बात कुछ यूं कहते हैं। बंको बीकानो अभियान एक अभियान नहीं होकर के एक सपना है जिसको हमने जिया है और हमारे उच्चाधिकारियों के, हमारे जनप्रतिनिधियों के, हमारे माननीय प्रधानमंत्री के, माननीय मुख्यमंत्री के संकल्प को हमने गांव में जा कर के एक सच्चाई बनाया है। हमारे जो स्टेट रिसोर्स ग्रुप और जिला संदर्भ दल जो हमारे जो समूह बनाए गए उनकी इस अभियान के संचालन में महती भूमिका है। गाँव में हमारे इस अभियान की खूबसूरत ये है कि गाँव में खुद समुदाय ने आगे बढ़ करके खुले में शौच जाना बंद करने का एक संकल्प लिया। मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारी फॉर्मर जिला कलेक्टर आरती डोगरा जी ने जो काम शुरू किया वो 70-80% तक वो हमारा अचीवमेंट था, लेकिन पूनम मैडम के आने के बाद में ये जो हार्डकोर हमारा टारगेट था वो किसी सूरत में हम उसको लक्ष्य को पार नहीं पा रहे थे, लेकिन कलेक्टर साहब की दूरदर्शिता ने, फोरसाइटेड ने सभी अधिकारियों को, कर्मचारियों को, जनप्रतिनिधियों को अभियान में प्रेरणा के साथ जोड़ा और प्रेरित होकर के जो अफसर, जो अधिकारी, कर्मचारी गाँव में गए उसका परिणाम ये आया कि आज बीकानेर जिले में कोई भी परिवार खुले में शौच करता हुआ नहीं पाया जाएगा। बंको बीकानो राजस्थान में, न केवल राजस्थान में बल्कि पूरे भारत में अपने तरह का अनूठा अभियान है। इस अभियान की खासियत यह भी है कि यह पैसे के लिए शौचालय बनाने का अभियान कभी नहीं रहा। इस अभियान में महिलाओं को अपनी इज्जत और गरिमा, उसको ठेस पहुंचाने का काम था खुले में शौच जाना। जब उनको मालूम चला कि इस परंपरागत शौच को हम छोड़ भी सकते हैं और आसान तकनीक से लीच पीट वाले टॉयलेट बनाए जा सकते हैं जिसके लिए किसी बहुत ज़्यादा मेहनत की आवश्यकता नहीं है, तो महिलाओं ने स्वयं ने फावड़े संभाले और अपने घर घर में शौचालय बनाने शुरू कर दिए। महिलाओं ने जब ये काम हाथ में लिया तो पुरुष वर्ग ने निस्संदेह उनका साथ दिया। महज 2 वर्ष 6 माह और 1 दिन की अवधि में देश के चौथे सबसे बड़े जिले बीकानेर के 30,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में 2,07,710
शौचालय बनवा देना एक विश्व कीर्तिमान है। संभवतः विश्व में ऐसा उदाहरण अन्यत्र नहीं देखने को मिलेगा। आज हम गर्व कर सकते हैं कि हम धरती मां के सौंदर्य, गरिमा और पवित्रता की रक्षा करने के प्रयासों में बहुत हद तक सफल हुए हैं। जिले को खुले में शौच मुक्त बनाने के बंको बीकाणो अभियान की सफलता की कहानी आज के दिनांक में अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के पार तक पहुंच चुकी है। ये जानकर कितना गर्व होता है कि विश्व बैंक, यूनिसेफ व अन्य वैश्विक संगठनों में बीकानेर का उदाहरण दिया जाता है। महान सिने अभिनेता अमिताभ बच्चन और अभिनेता अर्जुन कपूर एनडीटीवी के कार्यक्रम में मुक्त कंठ से बंको बीकानो अभियान की सराहना कर चुके हैं। पर जो बाकी आसपास की जगह है, अगर वहां पे हम ये मूवमेंट बहुत अच्छी तरह शुरू कर पाएंगे, जैसे बीकानेर की आज जो बात हुई, जो मैं देख रहा था, उसके आसपास इतना पोटेंशियल है टू मेक सच ब्यूटीफुल फैसिलिटीज एंड अमेनिटीज टू फॉर आवर कंट्री टू इवन ग्रो एज अ टूरिस्ट नेशन। पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, बैंकॉक, यूएसए और यूके सहित भारत के अनेक राज्यों के उच्च अधिकारियों ने यहां आकर बंको बीकानो अभियान की कार्यशैली को देखा और समझा। हम ये कहें तो गलत नहीं होगा कि बंको बीकानो अभियान एक किंवदंती बनकर इतिहास के स्वर्णिम पृष्ठों में अंकित हो गया है। इस अभियान की सफलता ये सिद्ध करती है कि संसार में कुछ भी असंभव नहीं है। इस बंको बीकानो रूपी मशाल को सरकार, जनप्रतिनिधि सहित हम सब ने मिलकर बड़ी निष्ठा से जलाया है। अब इस मशाल को पूरी जिम्मेदारी के साथ इसकी अखंडता और गरिमा को बनाए रखना हम सबका कर्तव्य है। मारे है सुचालो सकले में काम ले वहां बारे जाओ जो करनी ना करा घर ही जाओ खुले में को जाओ। हमारे गांव में सगले घर में शौचालय है। मैं शौचालय काम में लू शौचालय सब यूज लेने लाग रहा है, बाहर कोई लेटिंग कौन जा रहा। हमारे गांव में सगले घर में शौचालय है। हमारे घर शौचालय है, मैं काम में ले बाहर जावा कोई मैं शौचालय काम में लू। हमारे घर शौचालय बनाए मैं तो घर ही जाऊँ, खुले में जाऊँ तो बीमार है घर खुले में कहा जाऊँ घर में जाऊँ। मैं शौचालय काम में लू, मैं बाहर जाऊँ कौन घर ही काम में लेवा मैं बाहर जाऊँ कौन घरे है घरे। ले मशाले चल पड़े हैं लोग मेरे गांव के, अब अंधेरा जीत लेंगे लोग मेरे गांव के, लोग मेरे गांव के।